हाय गाइज, मैं हूं अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इन्वर्टर के साथ हम ऐसी छोटी सी गलती कौन सा करते हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर और बैटरी दोनों का लाइफ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ सेट पहले और कौन सी गलती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा और किस प्रकार की गलती हम छोटी सी गलती करते रहते हैं जिससे हमारा इन्वर्टर और बैटरी जल्द से जल्द ख़राब हो जाता है। तो आइए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है कि हमारा मशीन सेटअप लगा हुआ है और यहाँ जो है कि हमारा बैटरी लगा हुआ है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो है कि बैटरी ट्यूबलर बैटरी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें ट्यूबलर लगा हुआ है और नॉन ट्यूबलर में, जिसमें ट्यूबलर नहीं लगा होता है। तो ट्यूबलर में यही चीज़ देखने के लिए बनाया गया होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है कि यहाँ ऊपर जो है कि ग्रीन जो है कि सिंबल है और नीचे रेड का सिंबल है। तो यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ देखिए ग्रीन का सिंबल बना हुआ चिन्ह और नीचे रेड का चिन्ह बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ जो है कि ये पानी का लेवल देखने के लिए बना होता है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें 6 प्लेट है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेट है और 6 प्लेट में एक एक ट्यूबलर लगाया गया है। तो 6 प्लेट में आप देख सकते हैं कि ये लगभग हमारा जो ये रेड वाला टिप है वो लगभग रेड वाले के पास आ चुका है। तो इसमें यहाँ ये बता रहा है कि हमारे बैटरी का पानी कम हो चुका है। तो यहाँ हम खोल के आपको दिखा देते हैं। यहाँ खोलने पे आप देख सकते हैं भीतर की ओर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैटरी का पानी हमारा जो है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि वास्तव में हमारे बैटरी का पानी कम है। तो ट्यूबलर इसीलिए लगाया जाता है कि बैटरी का पानी का जाँच हो सके कि बैटरी का पानी कितना है। तो यहाँ क्या करते हैं, जब हम बैटरी में पानी कम हो जाता है, जब पानी डालते हैं, जब हम बैटरी वाटर लाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास बैटरी वाटर है जो कि 2.5 लीटर मेरे पास अभी बचा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मेरे पास बैटरी वाटर बहुत ही कम बचा हुआ होता है या फिर कभी कभी मेरे पास बैटरी वाटर नहीं होता है, तो जब हम इसमें बैटरी वाटर डालते हैं, जैसे बैटरी वाटर ख़त्म हो गया तो उसमें भरपाई नहीं हो पाती, यानी उस बैटरी वाटर से हमारा जो है कि बैटरी पूरा तरीके से पानी नहीं भरा जा पाता है। तो क्या करते हैं कि हम लोग जैसे कि घर का पानी यूज कर लेते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बैटरी वाटर जो है कि हमारे बैटरी का वाटर एकदम ख़त्म हो जाता है और बैटरी वाटर हमारे पास नहीं होने के जो है कि कारण हम जो है कि नलके का पानी या हैंडपम्प का पानी या फिर टोटी का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होता है कि वो हमारी बैटरी की लाइफ को कम करता है और वो पानी बैटरी के लेवल का नहीं होता है, उसका TDS बहुत ज़्यादा होता है। और इस पानी को जो बनाया जाता है, ये वाला जो पानी होता है बैटरी के लिए, ये बैटरी के लिए खास तौर से बनाया जाता है और बैटरी के हिसाब से बनाया जाता है। और इस पानी को बैटरी में डालने से बैटरी की लाइफ अच्छी रहती है, वो अपने पूर्णतः समय तक, यानी जितना उसका समय होता है, वो अच्छे प्रकार से चल पाता है, लंबे समय तक चल पाता है। और जो है कि घर का पानी हमें टोटी का या नल का या हैंडपम्प का पानी नहीं डालना है। ऐसी गलती हम अक्सर कर दिया करते हैं जिसको कि हम बहुत ही छोटी सी गलती मानते हैं। और कुछ लोग इस बात को तो गलती मानते ही नहीं है कि जो है कि पानी तो पानी होता है, कोई सा भी पानी डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हैंडपम्प का, नलके का या फिर किसी प्रकार का RO का पानी भी आप बैटरी में ना डालें, बैटरी में केवल बैटरी वाटर डालें। उससे आपकी बैटरी की लाइफ अच्छी होगी और लंबे समय तक चलेगा। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने मेरे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।